सहारा निवेशकों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहारा इंडिया परिवार पर कई निवेशकों से अवैध तरीके से धन जुटाने का आरोप था। इस मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने भी जांच की और पाया कि सहारा ने निवेशकों से नियमों का उल्लंघन कर पैसे जुटाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सहारा समूह के खिलाफ सख्त कदम उठाए और सहारा को उन सभी निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया जिन्होंने सहारा की अनियमित स्कीमों में निवेश किया था। शशजीज में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 30.5 करोड़ रुपए की राशि सेबी को जमा करने का आदेश दिया ताकि उस धन को निवेशकों को वापस किया जा सके। हालांकि सहारा द्वारा इस राशि को लौटाने में कई समस्याएं आईं, जिससे निवेशकों की धन वापसी में देरी हुई। सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय को इस मामले में जेल भी जाना पड़ा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की संपत्तियों की बिक्री के आदेश दिए ताकि निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल सके। ये मामला आज भी न्यायालय के समक्ष लंबित है और निवेशकों को उनके पैसे लौटाने की प्रक्रिया चल रही है।